वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग और एक स्पेशल रेसिपी के साथ आए हो। तो आज हम एक कोकोनट जूस बनाने वाले। तो मैंने भी पहले पहले कभी ट्राई नहीं किया, आज पहली बार ही मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। तो ये कैसा रहेगा और क्या क्या लगता है वो सब देखेंगे पहले हम, और ये टेस्टी रहेगा ऐसा मेरे को लगता है। तो अभी देखेंगे बना के कैसा रहता है करके। तो पहले हमें एक मिक्सी का जार चाहिए, फिर कोकोनट जूस में तो कोकोनट मेन रहेगा, तो कच्चा कोकोनट है ना वो लेने का पूरा कच्चा। फिर उसका पानी भी लिया मैंने और कोकोनट का वो शेल निकल के सिर्फ कोकोनट लिया है, फिर वो भी मिक्सी में डालेंगे। फिर उसके बाद हम शुगर ऐड करेंगे, शुगर कितना चाहिए उसी हिसाब से ऐड करना। मैंने इधर 7 टेबलस्पून शुगर ऐड किया है, तो आपको ज़्यादा क्यों कम करने का तो आप कम कर सकते हो। फिर उसके बाद मिल्क मेड लिया मैंने इधर, तो मिल्क मेड 1 टेबलस्पून डालने का है, ज़्यादा भी डाल सकते हो, ज़्यादा डालते हो ज़्यादा टेस्टी रहेगा। फिर भी मैंने थोड़ा ही डाला है, 1 टेबलस्पून ही डाला है। तो अभी 1 टेबलस्पून मिल्क मेड भी ऐड करेंगे। फिर मिल्क मेड के बाद हमें इसे पीसने का है, फिर पूरा अच्छे से पीस के लेंगे। अभी मिल्क मेड भी ऐड किया है मैंने अच्छे से, मिल्क मेड ऐड किया तो एक वैरायटी टेस्ट आएगा जूस में, इसलिए मैंने मिल्क मेड भी ऐड किया है। फिर अभी इसे अच्छे से पीस के लेंगे। तो अभी मैंने अच्छे से पीस के लिया है, तो आप लोग देख सकते हो एकदम जूस जैसा हो गया है। तो कच्चा नारियल लेना वो ध्यान में रखें, वो सूखा हुआ नारियल लिया तो कैसे उसका क्रम सब रहेगा वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर अभी मैंने इधर एक ग्लास लिया है, उसमें जो जूस हमने पीस के रखा था वो ऐड करेंगे। तो अभी ग्लास में मैं जूस ऐड किया है, तो थोड़ा सा नट्स ऐड करेंगे, मतलब ड्राई फ्रूट सब। तो मैंने इधर किशमिश लिया है थोड़ा सा, तो वो भी ऐड करेंगे। तो अभी मैं इधर किशमिश ऐड किया है थोड़ा सा। फिर जो मिक्सी में बचा हुआ जूस है ना उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। फिर मैंने इधर नेचुरल फूड कलर लिया है, ऑरेंज कलर का। आप ये ऑप्शनल है, आप नहीं ऐड किया तो भी चलेगा, मैं थोड़ा कलरफुल होने दे सोच के थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। तो अभी इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। तो अभी ये फूड कलर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी जो हमने ग्लास में जूस भर के रखा है उसमें ऐड करेंगे। तो अभी हल्लू हल्लू करके पूरा जूस और कलर मिक्स किया हुआ जूस पहले वाले जूस में ऐड कर लेते हैं, इससे थोड़ा कलरफुल भी दिखेगा और होटल में कैसा पूरा डेकोरेट करके देते, तो ऐसा दिखने के लिए मैं भी थोड़ा कलर सब ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसे ही पीना रहेगा तो ऐसे भी पी सकते हो अभी, फिर ये ऑप्शनल है। फिर अभी ये पूरा अच्छे से कलर भर के देंगे उसमें, ऊपर का पूरा लेयर कलर से भरेंगे। अभी ये पूरा कलर से भर के लेते, तो अभी जो मिक्सी में बचा था वो पूरा इसमें भर के ले लेंगे, मतलब पूरा वो ग्लास पूरा कवर होना चाहिए वैसा। पूरा भर के हुआ है तो अभी उस चम्मच से पूरा उस साइड में जो ये सब है वो सब अच्छे से करके लेंगे। फिर थोड़ा सा ऐसा ग्लास का नीचे से वो लाइन है ना, तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा नीचे करेंगे थोड़ा डेकोरेशन के लिए, जो होटल में सब मिलता है ऐसा जूस का दुकान में सब गए तो कैसे मिलता है वो ग्लास के बाहर सब थोड़ा सा ये गिरा गिरा के सब मस्त दिखता है उससे भी, तो वो भी करके लेंगे थोड़ा अच्छा देखने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कितना बाहरी दिख रहा है। तो उसके बाद अभी थोड़ा सा मेलन सीड ऐड किया है मैंने, तो मेलन सीड ऐड करने के बाद आप पीने के लिए हमारा जूस तैयार हो गया है। तो आपके पास ये आइस भी पी सकते हो, तो आपके पास आइस रहेगा तो आइस डाल के भी पी सकते हो, नहीं तो आपको ये ठंडा करना रहेगा तो फ्रिज में रख के ठंडा भी करके पी सकते हो, ऐसे भी पी सकते हो ठंडा करके भी पी सकते हो, ठंडा किया तो थोड़ा और अच्छा टेस्ट में आएगा। फिर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। फिर अगले वीडियो में चलो।